तुम ऐसा क्यों कर रही हो एंजल? मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। क्या गलती से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है? मैं हमेशा तुम्हें ऑयल, गैस सब देती हूँ। तुम्हारी इतनी परवाह करती हूँ तो मैं हर दिन साफ भी रखती हूँ। यकीन नहीं आ रहा। नो वे, अब तो हद हो गई। क्या इत्तेफाक है? इपेक, 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 तुम मुझे प्यार से हेलो भी नहीं कह सकती? किस्मत से क्यों दूर भाग रही हो? नहीं, तुम्हारी बदतमीजियों से दूर भाग रही हूँ। चलो ना बेबी। इतनी परेशान मत हो, हम एक दूसरे से मैग्नेट्स की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम प्यार की कहानी लिख रहे हैं, पर हम दोनों तो पहले से ही प्यार में हैं। तुमने क्या मुझ पे GPRS लगाया है कि जहाँ जाती हूँ मुझे ढूंढ लेते हो? जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊँगा इपेक, तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। और एक और बात कहूँ, ये कार तो बस एक बहाना है हम दोनों का बार बार मिलने का। तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना। देखो, मैंने मदद नहीं मांगी, मुझे जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। चलो ना एंजल, प्लीज इस पागल से मुझे बचाओ, प्लीज चलो यहाँ से। कोशिश बेकार है पिक, तुम तकदीर नहीं बदल सकती पर खुद को एक मौका दे सकती हो। आ? चलो साथ मिलकर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ। सोचना भी मत तुम। कोई बात नहीं पिक, मैं इस कार का और तुम्हारे दिल का दरवाजा भी खोल कर रहूंगा। ये इंसान मुझे पागल कर देगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। माफ करना, तुम्हें डिस्टर्ब किया। हेलो, हयात कहाँ पर है? वो उस तरफ गई है, 10 मिनट हो चुके हैं, कार बंद हो गई है, वो मदद लाने गई है। ठीक है, मैं हयात को ढूंढता हूँ। वैसे मेरा यकीन कीजिए, कह रहे मैं एक अच्छा मैकेनिक है, कार को ठीक कर देगा। तुम इसे ठीक करो, मैं उसे देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, सुनो, मुझे इसके साथ अकेले छोड़ के मत जाओ। ये तो मरने से भी बदतर है। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हम दोनों का मरना साथ लिखा है पैक, वो भी बूढ़े होने के बाद। हे ऊपर वाले, अगर मैं इसी तरह हिम्मत करके चलती रहूं तो क्या वो चला जाएगा? लगता तो बिल्कुल नहीं है। अब मुझे किसी भी तरह हिम्मत करके उस पर हमला करना होगा। हिम्मत रखो, डरने से कुछ नहीं होगा। मुराद सा? हाँ, डरी हुई अच्छी लगती हो। अच्छा, लेकिन अब आपकी ये आरजू पूरी नहीं होने वाली है क्योंकि मैं चलकर जा रही हूँ। हम बात कर सकते हैं? ये आपको मेरा मजाक उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब वो सब बातें छोड़ो, अभी चलो। मुझे नहीं जाना। देखो अंधेरा होने वाला है, कैरम तुम्हारे दोस्त की गाड़ी ठीक कर रहा है तो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। चलो कार में बैठो। मैं आपकी कार में नहीं बैठने वाली। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। पर मेरे पास है। जरा ये बताएंगे कि मैं आपसे बात क्यों करूँ? जब तक आप इरादा नहीं बदलती मैं चलता रहूँगा। बिना छुए देख नहीं सकते क्या? तुम इसे छुओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से नहला दूंगी गुड़िया। हमारी गुड़िया, एक दिन हम दोनों साथ मिलकर अपने बेटे को और अपनी बेटी को एक साथ नहलाएंगे और उसके बाद तुम मेरे कपड़े धोगी और फिर उन्हें इस्त्री करते वक्त तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू मेरे गरम गरम शर्ट पर गिरेंगे। उसी गरम इस्त्री से तुम्हारा मुंह जला दूंगी। अब अपने सपनों को लेकर
यहाँ से निकल जाओ। ये मेरी गाड़ी है, मेरी। इपैक, बात किए बिना तो मैं जाने नहीं वाला। तुम्हारे गुस्से पे भी प्यार, पर हमारे फ्यूचर के लिए तुम्हें इसे बैलेंस करना होगा। 2 महीने पहले एक्सीडेंट की थी, स्पीड लिमिट तोड़ी, गलत जगह पार्किंग की, 56 चालान है तुम्हारे पास। एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हसन ने बताया, मेरा दोस्त है, तुम्हें मिलवा सकता हूँ, ट्रैफिक पुलिस है। क्या कहा? तुम्हारी गाड़ी का नंबर दिया, वो आकर देखेगा कि मेरी गुड़िया प्यारी है या शरारती है। मेरी गुड़िया? हाँ? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? गुंडे हो तुम या पूरी पागल हो चुके हो? किसी से प्यार करने का मतलब उसका ख्याल रखना और उसे समझना होता है। जरा अपने दिल के रडार को खोल के देखो, मेरी ही नंबर प्लेट होगी वहाँ पर। वो नंबर प्लेट मैं तोड़ दूंगी। तुम्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो हटो यहाँ से। मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत है और तुम्हारी इस गुड़िया को सर्विसिंग की जरूरत है, लेकिन मैं तुम दोनों का ख्याल रख सकता हूँ। पता है क्यों? तुमसे प्यार जो करता हूँ। ठीक है, अब तो रास्ता खत्म हो गया, अब आप और नहीं भाग सकेंगी। किसने कहा मैं भाग रही हूँ? आप बार बार रास्ता क्यों रोक रहे हैं मेरा? हम दो समझदार लोगों जैसे बात नहीं कर सकते? तो मैं ही आपके जैसा बच्चा बन जाता हूँ क्या? तो आपका मतलब है मैं बचपना कर रही हूँ? लोगों के बारे में बिना जाने उन्हें गलत ठहराते आप हैं, मैं नहीं। बचपना आप करते हैं, मैं नहीं करती। तो तुम गलतियाँ मत दोहराओ और मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? वो दरअसल बात ये है कि... अरे अरे, आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? हमेशा जो कहना होता है वो तो आप कह ही देते हैं ना, इसीलिए जो भी मुझसे कहना है वो आप जल्दी कहिए क्योंकि मुझे जाना है। हयात, मैं यहाँ तुमसे बहस नहीं करने आया हूँ। तो आप क्या करने आए हैं यहाँ? ओह, एक बात मैं बता दूँ कि मेरी अच्छाई की और मेरी सब्र की एक हद है, उसे पार ना ही करें तो अच्छा है। हाँ, जानता हूँ। अब तक आपने देखा ही क्या है? अंदाजा लगा सकता हूँ। जल्दी बताओ क्या है। दुरुक से बात हुई मेरी। ये तो आप बता ही चुके हैं। तुअल भी मुझसे मिली थी। हाँ तो मैंने बहुत सोचा और हर किसी से गलती होती है। इसका मतलब आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है? मुझे ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे मजबूर मत करो, ठीक है? मैं आपको कैसे मजबूर कर रही हूँ? मैं तो कुछ कर भी नहीं रही, मैं तो बस अपना रेजिग्नेशन देकर यहाँ आ गई थी, आप मेरे पीछे आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। और क्यों? कहा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पहले बातें सुनाओ, उसके बाद कहो सब भूल जाओ, उसके बाद काम पर आ जाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझसे ये सब नहीं हो सकता। जरा फिर से कहना। मैंने कहा आई एम सॉरी। सच में सॉरी बोल रहे हैं? हाँ सच में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे पता मुझसे गलती हुई, मुझे रियलाइज हुआ और मैं माफी मांगने यहाँ पर आ गया, दैट्स ऑल। पता नहीं अब तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, पर मैंने माफी मांग ली है। अब तुम पर है, तुम वापस आओगी या नहीं। क्या हुआ?